अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा किया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर नया मिशन एक गांव एक तिरंगा। आज सरस्वती शिशु मंदिर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई। इसमें आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर एक गांव एक तिरंगा मिशन में की शुरुआत की जाएगी, जहां पर प्रत्येक गांव में जाकर तिरंगा फहराया जाएगा। जिला संयोजक मयंक राठौर ने बताया कि शिवपुरी जिले में 78 स्थानों पर ध्वजारोहण किया जाएगा। इसमें 40 वॉलंटियर इस कार्यक्रम की व्यवस्था करेंगे, जहां जानकारी के अनुसार शिवपुरी में पास की 8 बस्तियां हैं, ऐसे में यहां पर झंडा बंधन निश्चित किया जाएगा। इसमें कठमई, लालमाटी, ठकुरपुरा, फक्कड़ कॉलोनी, मनियर, गौशाला, लोधावली, विनेगा गांव ये शामिल हैं। यहां पर तिरंगा का झंडा बंधन किया जाएगा। साथ ही पूरे जिले में 78 स्थानों पर झंडा बंधन किया जाएगा। इसमें पिछौर, खनिया थाना, कोलारस, बैराड और रन्नौत इन सभी इकाइयों में कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता को 2 स्थानों की जिम्मेदारी दी गई है, जहाँ पर भव्यता से भव्य रूप से समान ध्वजारोहण ये कर सकेंगे। साथ ही प्रांत छात्रा प्रमुख अनुप्रिया तंबर ने कहा कि विद्यार्थी परिषद एक गांव एक तिरंगा अभियान को पूरे देश में एक साथ 15 अगस्त को 1,28,000 स्थानों पर करेंगे। इनमें से हमारे मध्य प्रांत के 8,122 स्थानों पर हमारे कार्यकर्ता जाकर बस्ती, ग्राम, कस्बों और घर घर ध्वजारोहण करेंगे। इस ध्वजारोहण के माध्यम से हम हमारे देश के आज़ादी के 75 वर्ष पर अमृत महाउत्सव मनाएंगे। इसमें सभी तक हमारा राष्ट्रीय पर्व का संदेश पहुंचे और सभी लोग इसमें सम्मिलित हो पाए। आगे जिला प्रमुख मुकेश मिश्रा का कहना है कि जिस तरीके से हम दिवाली घर पर रहकर मनाते हैं, सभी में मिठाइयां बांटते हैं, हमारा ये 75वां स्वाधीनता दिवस भी घर घर मनाया जाना चाहिए। इसके लिए विद्यार्थी परिषद इस अभियान को लेकर आई है। अपने लक्ष्य तक सभी कार्यकर्ता अवश्य पहुंचेंगे। इसमें सभी सामाजिक व्यक्ति हमारे साथ मिलकर इस अभियान में सहभागिता कर रहे हैं। जो कई स्टूडेंट हैं ईसाई, इसमें हमारे सारे पत्रकार बंधु, सम्मानी पत्रकार बंधु यहाँ आए, इससे हमारा सारा मैसेज जो है एक तिरंगा एक गांव का जो हमारे पास है, घर घर तिरंगा का जो अभियान है, वो सभी जगह पहुँचेगा। इसके लिए आपने इतना अमूल्य समय निकाला और हमारी बातों को जन जन तक पहुँचाने के लिए आपका सहयोग रहा, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।